मालदीव की सत्ता संभालने के बाद से भारत के खिलाफ अकड़ दिखाने वाले चीन परस्त मोहम्मद मुइजू को अब अकल आ गई है। मालदीव की मुइजू सरकार के सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। मालदीव को आखिरकार समझ आ गया है कि भारत से रिश्ते बनाए बिना उसका काम नहीं चलने वाला है। मुइजू प्रशासन ने पहली बार ये माना है कि उसने शुरुआती दौर में भारत से संबंध खराब कर लिए थे। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के नेतृत्व वाली सरकार के शुरुआती दिनों में भारत मालदीव के संबंध कठिन दौर से गुजरे। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों ने गलतफहमियां दूर कर ली हैं। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने चीन और भारत समेत दूसरे प्रमुख सहयोगियों के साथ अच्छे रिश्ते कायम करने के महत्व पर जोर दिया। जमीर ने कहा कि भारत के साथ संबंधों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासतौर पर मालदीव से भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी हटाने के राष्ट्रपति मुइजू के अभियान के बाद से। उन्होंने कहा कि मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी के बाद दोनों देशों के बीच गलतफहमियां दूर हो गई हैं। द एडिशनल समाचार पत्र में जमीर के हवाले से ये लिखा कि आप जानते ही हैं, हमारी सरकार के शुरुआती दिनों में भारत के साथ कुछ तल्खी थी। हमारे भारत और चीन से अच्छे रिश्ते हैं और दोनों देशों ने मालदीव का समर्थन करना जारी रखा है। उनके राष्ट्रपति पद पर काबिज होने के बाद भारत मालदीव संबंध में खटास पैदा होने लगी। शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर मुइजू ने भारत से मालदीव को उपहार में दिए गए 3 सैन्य प्लेटफॉर्म पर तैनात भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की थी। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद भारतीय सैनिकों की जगह वहां तकनीकी कर्मियों की तैनाती की गई। मालदीव के 3 उपमंत्रियों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने खुद को इन टिप्पणियों से अलग कर लिया। बाद में ये तीनों मंत्री भी निलंबित कर दिए गए। मुइजू ने पद संभालने के बाद अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत नई दिल्ली की यात्रा नहीं की। वह सबसे पहले तुर्की गए और उस फिर जनवरी में अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए चीन को चुना। वह 9 जून को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मुइजू के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति बहुत जल्द भारत की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। जमीर ने मालदीव के समक्ष मौजूद वर्तमान आर्थिक चुनौतियों को अस्थायी करार दिया। उन्होंने कहा कि मालदीव का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज की गुहार लगाने की कोई योजना नहीं है। जमीर ने मालदीव सरकार के IMF से बाहरी सहायता मांगे बिना वित्तीय स्थिति से निपटने के प्रति आश्वस्त होने का संकेत देते हुए कहा कि हमारे द्विपक्षीय साझेदार हैं जो हमारी जरूरतों और हमारी स्थिति के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। विदेश मंत्री ने चीन और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का भी जिक्र किया और कहा कि ये देश मालदीव का समर्थन करने में महत्वपूर्ण रहे हैं। जमीर की ये टिप्पणी मालदीव की वित्तीय स्थिति के बारे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की चेतावनियों के मद्देनजर आई। मालदीव का इस समय 40.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्ज है। देश का मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार 44.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। जमीर के साथ मालदीव के वित्त मंत्री मोहम्मद शफीक भी श्रीलंका यात्रा पर गए। इस दौरान दोनों नेताओं ने वित्तीय विषयों पर चर्चा के लिए श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के अधिकारियों और अन्य के साथ कई बैठकें भी की। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।